हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सिखा आपका अपने यूट्यूब चैनल ममा ब्लॉग एंड रिव्यू में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप सबको पता है अभी जो मौसम है वो बरसात का मौसम चल रहा है, और इस टाइम ना जो हमारे घर में बच्चे हैं या खुद भी हम मच्छरों से बहुत परेशान रहते हैं। तो आज का जो रिव्यू है वो आज का जो वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। आज मैं बात करूंगी इसका, जिसको मैंने ओपन करके बहुत दिन यूज किया है। मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया था पर मैंने उसे एडिट नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे तब पहले मतलब तुरंत मंगवाया था। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इसे यूज करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट कैसा है, तब मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। तो आज ये देख सकते हो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और मैंने टू का सेट लिया था, बाई वन गेट वन फ्री नहीं था। ये मुझे शायद 199 में पड़ा था, मैं लिंक दे दूंगी, मैंने अमेजोन से मंगवाया था। और एक्चुअली मैं इस समय अपने बच्चे को लेके पार्क में जाती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और रात में भी बहुत मच्छर उसे मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी मच्छरों से, आप ये लगा लो। तब मैंने जाके ना बहुत सर्च किया, तब मुझे ये मिला और इसके रिव्यू अच्छे थे, तो मैंने इसे मंगवाया। ये है ममा अर्थ नेचुरल मॉस्किटो रेप्लिकेंट जेल, ये देखो आप। और अब सबको पता है कि ममा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बेबी के लिए बहुत अच्छे, तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया है अपने बेबी के लिए। और लिटरली मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा यूजफुल है, इतना ज़्यादा यूजफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो इसमें है एप्पल लेमन ग्रास ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लेवेंडर ऑयल, एलोवेरा जूस। ओके, तो इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप हम शायद कम जानते होंगे। हाँ, जो लेमन ग्रास ऑयल है उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, कि मैंने सुना है कि उसके जो पत्ते होते हैं उसके आसपास मच्छर नहीं भटकते, तो शायद इस वजह से इन सब चीज़ों से मिलके ये बनाया है। और मैं इसका जो यूज है बताती हूँ कि आपको, वैसे तो डायरेक्शन टू यूज लिखा हुआ है, आपको बस जो आँख वाले एरिया है ना उसे बचा के लगाना है, और जितने भी ओपन एरिया है आप हर जगह इसे अप्लाई कर सकते हो अपने बच्चे के जो ओपन बॉडी पार्ट है उस पर। तो इस समय ये सबसे ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए। दैट्स वाई मैंने इसका जो वीडियो है वो बनाना ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ताकि जितनी भी मॉम है ना उन्हें हेल्प मिल सके। क्योंकि आजकल जो सीजन चल रहा है उसमें कोरोना छोड़ो, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारे जो मच्छर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना वो हमारे आसपास ही बैठे पड़े हैं। तो इस समय जितना ज़्यादा हो सके हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है मच्छरों से, और अपने बच्चे को बचाने की ज़रूरत है। तो क्योंकि अब मेरा बेबी 2 साल का हो गया, तो वो छोटा वाला जो नेट होता है ना वो अब काम नहीं करता, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो मैं उसे अप्लाई करूँ। और ये 7 to 8 hours वर्क करता है, मैं रात को सोते समय उसे अप्लाई कर देती हूँ ना, तो वो रात भर निश्चिंत होकर सोता है, बिल्कुल भी मुझे मच्छरों की कोई परेशानी नहीं होती। जैसे वैसे मैं पार्क में उसे ले जाते समय उसके पैर में, हाथ में जो ओपन एरिया है वहाँ लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं पूरी तरह निश्चिंत होती हूँ कि अब वो सेफ है। और मच्छरों से, जैसा कि मुझे याद है, मैं एक बार उसे वैक्सीनेशन के लिए ले गई थी, उसके पैर में बहुत सारे मच्छर ने काट रखा था, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत मतलब अच्छे से समझाया था। उसने मुझे बताया था कि जो लिक्विड होता है वो आप जला के रखें थोड़ा, मुझे वो मैं नहीं जलाती क्योंकि मुझे ना उससे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता था। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मच्छरों से छोटे बच्चे को, तो आप ना उसे जला के रखो। उस टाइम से मैं थोड़ी अवेयर हुई और मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये मिला और मैं बहुत खुश हूँ उसे यूज करके, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो बाकी तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके इंग्रेडिएंट, इसको यूज कैसे करना है, और मैंने इसे कहाँ से ख़रीदा था, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, बहुत ज़रूरी वीडियो था, बाकी मेरे सब वीडियो के जैसा ही ये, आप लोगों को इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज मुझे इजाज़त दें, बाय एंड टेक केयर।